कि 15,000 अध्यापकों के इनको रेगुलराइज करेंगे। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। गेस्ट टीचर्स लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। एक महिला जो अतिथि अध्यापक है अपना सिर मुंडवा लेती है लेकिन सरकार ध्यान देना जरूरी नहीं समझती। वो भूल जाती है कि ये वही अतिथि अध्यापक है जिनसे चुनाव के वक्त उनकी पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कोई वादा किया था लेकिन वो वादा अभी तक सिर्फ वादा है। सरकार बनते ही पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। तो सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई है? इतने साल सरकार में रहने के बाद भी अब तक नुमाइंदों को इनकी याद क्यों नहीं आई? हमारी सरकार बनते ही पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। रामविलास शर्मा ने 2014 में क्या खूब कहा, जहां बेदर्द हो हाकिम वहां फरियाद क्या करना, यही डायलॉग अब उनके गले की फांस बन गया है। क्या अब रामविलास शर्मा बताएंगे कि 2014 के हाकिम ज्यादा बेदर्द थे या आपके हुक्मरान ज्यादा बेदर्द हैं? क्या हरियाणा सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी आंख से आंख मिलाकर कह सकेगा कि हमने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या इन आंसुओं का हिसाब सरकार या उसका कोई भी मंत्री दे सकेगा? अरे आप क्या हिसाब देंगे? एक महिला दुखी होकर अपने सिर के बाल उतरवा रही थी और आप अपनी पूरी ताकत अपने आलाकमान की आवभगत की तैयारियों में लगा रहे थे। आपके पास एक मिनट ना था इनको देने के लिए, आपके पास एक आश्वासन ना था इनको रोकने के लिए। तो लीजिए, करवा लिया एक शहीद की पत्नी ने मुंडन, हो गया फौजी का बेटा गंजा। आपकी नीतियों की मार से, आपके झूठे वादों पर एतबार से, मैं ये कहती हूँ जिससे बढ़कर क्या हो, जो प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी उसका अंत कर दिया गया उस बुराई का, और आज उसी बुराई को सीएम सिटी में तो रह जा रहे, इससे शर्म की बात और सरकार के लिए क्या होगी? उनको त्याग पत्र देना चाहिए अपने पद से। लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लोगों की सरकार, हमारी सरकार, मुट्ठी बंद करो तो सरकार, मुट्ठी खोल दो तो फिर कहाँ है ये हमारी सरकार, कहाँ सुन रही है हमारी? एक शहीद की पत्नी, एक फिजिकल हैंडीकैप जो आप सबके सामने अपना मुंडन करवा रही है, तो ये सोचिए उसको वही घटना जो 10/10/2016 को हुई थी, आज वही दोबारा से उसके मन को, उसके माइंड में, उसके दिल में, दिमाग में दोबारा से वो आ रही है, तो इससे शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? गेस्ट टीचर्स कई दिन से अल्टीमेटम दे रहे थे लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें रोकने के लिए कदम नहीं उठाया गया, जबकि अगले ही दिन सीएम को करनाल जाना था। सर, एक गेस्ट टीचर्स की मांग चल रही थी कल, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उनसे मिलने का समय आप मिलने के लिए वो आएंगे, मिलूंगा उनसे, उनकी बात सुनेंगे। सर, एक गेस्ट टीचर्स की मांग चल रही थी कल, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उनसे मिलने का समय आप मिलने के लिए वो आएंगे, मिलूंगा उनसे, उनकी बात सुनेंगे। सर, चलिए सीएम ने मिलने की बात तो कही, अपने कार्यकाल के अंतिम समय में ही सही, कम से कम अब परेशानी सुनेंगे तो सही, क्योंकि गेस्ट टीचर्स का दर्द कुछ ऐसा है कि सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गेस्ट टीचर्स का दर्द। वो हुड्डा सरकार में भी पक्का करने की मांग कर रहे थे, मनोहर सरकार में भी पक्का करने की मांग कर रहे थे, तब भी समान काम समान वेतन का रोना था, अब भी समान काम समान वेतन का रोना रो रहे हैं। वकार आलम तुर्की, खबरें अभी तक। तो बात इतनी भर नहीं है, आपको भले ही लगता हो कि गेस्ट टीचर्स की मांगे अब बढ़ गई हैं या वो अब ज्यादा मांगे करने लगे हैं, पक्का करने की मांगे करने लगे हैं, तो आपको दुरुस्त कर दें कि ये समस्या बहुत पुरानी है। से 2007 के बीच हरियाणा के शिक्षा विभाग ने स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति होने तक करीब 15,000 अतिथि अध्यापक नियुक्त किए थे, लेकिन आज 12 साल गुजर जाने के बावजूद सरकार अध्यापकों की नियमित भर्ती के जरिए स्कूलों में पड़े खाली पदों को भरने में असफल रही, या यूं कह लें कि जरूरत के मुताबिक स्थायी भर्ती से कन्नी काटने में सफल रही। समय समय पर इन 15,000 अध्यापकों को विभिन्न संवर्गों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। इनको JBT, BEd और PGT अध्यापक के पदों पर नियमित अध्यापकों के समान वेतन देने के बजाय आधे से भी कम वेतन पर काम करवाया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि हरियाणा में करीब 13,000 अतिथि अध्यापक पिछले 12 साल से अभी तक मेहमान ही बने हुए हैं।
अतिथि देवो भव के लिए प्रसिद्ध हरियाणा का शिक्षा विभाग जहां एक और अतिथि अध्यापकों से छुटकारा पाने का रास्ता तलाश रहा है, वहीं हरियाणा के शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब सभी अतिथि अध्यापक मान न मार मैं तेरा मेहमान की शैली में आंदोलन का रुख अपनाए हुए है। इन दोनों की लड़ाई में पिस रहा है बेचारा छात्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार के पास कई रास्ते हैं। पहला ये कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार की तरह विधानसभा से बिल पास करवाए, इन्हें पक्का कर दे। दूसरा ये कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही समान काम समान वेतन दे, इससे भी अतिथि अध्यापकों की समस्याएं करीब करीब खत्म हो जानी है। लेकिन सरकार अब ऐसा नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि मामला अदालत में है, लेकिन साहब जरा बताने का कष्ट करेंगे, जब आप जंतर मंतर पर लंबी लंबी छोड़ रहे थे तब मामला कोर्ट में था या फिर नहीं? जब आपने अपने घोषणा पत्र में इन्हें पक्का करने की बात लिखी थी तब मामला कोर्ट में नहीं था क्या? पहले कहते थे कि पहली कलम से पक्का करेंगे, अब कहते हैं कि कोर्ट की कलम का इंतजार करेंगे। ये वादा खिलाफी नहीं तो क्या है? वकार आलम तुर्की, खबरें अभी तक। बिल्कुल वादा खिलाफी ही कहा जाएगा जब 3 साल से ज्यादा सत्ता में गुजर चुके हैं, लेकिन नियत इस तरह की नजर नहीं आती कि गेस्ट टीचर्स को गंभीरता से लिया जाएगा। ना धरने प्रदर्शन को कभी गंभीरता से लिया गया, ना मुंडन करवाने की चेतावनी को गंभीरता से लिया गया, ना जब एक शहीद की वीरांगना अपने बेटे समेत मुंडन करवा लेती है तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा पहुंचना जरूरी नहीं समझता और अपनी तरह की पहली इस शर्मनाक घटना को सूबे में होने दिया जाता है। क्यों सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है? क्यों सरकार वो वादे करती है? क्यों कोई भी पार्टी सत्ता में आने से पहले वो वादे करती है जिनमें अदालत का पेच होता है, जिनमें कानून का पेच होता है, और सत्ता में आने के बाद ही अदालतें क्यों याद आती हैं? साथ ही गैस टीचर्स को पक्का करने की बीजेपी की फिलहाल नियत है या फिर नहीं, चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। राजीव रंजन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, रंजिता मेहता कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, गैस टीचर्स का पक्ष रखने के लिए दिनेश गौतम को हमने बुलाया है। साथ ही इनेलो के प्रवक्ता विवेक चौधरी हमारे साथ हैं और एक और कुर्सी आप खाली देख रहे हैं, ये बीजेपी के लिए खाली कुर्सी है, जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, कि स्टूडियो में इनके प्रवक्ता आना जरूरी नहीं समझते इस मुद्दे पर अपनी राय रखने को लेकर। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। गौतम जी, शुरुआत आपसे करेंगे, एक तरफ सियासत है दूसरी तरफ अदालतें हैं, परेशानी कितनी? मैं मैडम जी आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सियासत की जा रही है हमारे साथ आज से नहीं 2005 से की जा रही है। हुड्डा सरकार में जब हमारे को लगाया गया तो उस समय बकायदा एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसकी मैं आपको कॉपी भी दिखा सकता हूँ एडवर्टाइजमेंट की। 17/12/2005 को एडवर्टाइजमेंट हुई थी दैनिक भास्कर में, जो ये कहते हैं कि आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी खुद एक लेटर जारी किया था कि भाई इनकी रिजर्वेशन भी पॉलिसीज के अंदर है, उसका लेटर भी हमारे पास है और बिल्कुल फेयर हमारी भर्ती है। उसके बाद 2006 में गेस्ट टीचर को लगाया गया, 2007 में भी इन्होंने लगाया लास्ट टाइम, और 2008 में इन्होंने साइंस के लेक्चरर इन्होंने लगाए गेस्ट टीचर के रूप में, यानी कि जब इनको ज़रूरत थी तब हमें लगा लिया और जब नहीं थी तो ये हुड्डा सरकार ने भी हमारे को खूब निकालने की कोशिश की, कई बार परेशान भी किया लेकिन हमारे आंदोलन चलते रहे। हमने माननीय हाई कोर्ट की शरण ली, हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में कहा कि भाई जब आपको ज़रूरत थी तब आपने रख लिया, अब इनको क्यों निकाल रहे हो? तो कई तरह से हमारे सरकार ने हमारा शुरू से ही शोषण किया है। लेकिन अब आप लोगों के साथ कानून भी नहीं है कि गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाए, इसमें कानूनी भी इस तरह ऐसी बात नहीं है मैडम। हमारे पास आज भी ऐसे एविडेंस हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, और सीएम साहब यदि हमें अब 17 तारीख को हमारे को मीटिंग का टाइम दिया है, यदि सीएम साहब कहते हैं तो हम वो सारे डॉक्यूमेंट उनको दिला देंगे, वो अपने डबल एजी को बुला लें, जितने उनके पास वकील हैं बड़े से बड़ा वकील वो बुला लें, यदि वो वकील उसके सामने हम वो सारे तथ्य देंगे जिसमें हम ये साबित कर देंगे कि हम बिल्कुल रेगुलर हो सकते हैं। ये सरकार होती तो ये सवाल करते कि मुंडन क्यों नहीं रोका गया। कांग्रेस का भी अपना, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी भूमिका है। रंजिता मेहता जी, आप लोग राजनीति कर लेते हैं, आप लोग दावे कर लेते हैं, लेकिन एक शहीद की वीरांगना जो कि अतिथि शिक्षिका है, अध्यापिका है, वो मुंडन करवाती है, कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचता। देखिए ज्योति जी, पहले सबसे पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि 2005 से हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। 2005 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, मेरे भाई अध्यापक टीचर यहाँ पे बैठे हैं, तो इनसे पूछा जाए जब इनकी नियुक्ति की गई थी तो
तो इनको एज ए गेस्ट टीचर लिया गया था या इनसे पहले दिन ही वादा किया गया था कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा? हमने टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट थी वो स्लो था, स्कूल सफर कर रहे थे, इसलिए हुड्डा साहब ने उस समय मैडम कांग्रेस का क्या पक्ष था? ये मैंने अभी इसी सवाल में जानने की कोशिश नहीं की। जब एक महिला मुंडन करवाती है, आप एक महिला हैं, आप एक पार्टी से जुड़ी हैं 10 साल तक, मैं आपको पूरी बात का जवाब दूंगी। नहीं, पहले इस पर आइए, पहले इस पर आइए, आप ये बताइए आप लोग पहुंचना जरूरी क्यों नहीं समझते? क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं? बता रही हूँ, जब ये इन्होंने मुंडन करवाया है, बाकायदा हमारी महिला कांग्रेस की टीम बाकायदा इनके घर पे जाकर इनको मिलकर आई है और इनको सांत्वना देकर आई है और इनसे बात करके आई है कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी लड़ाई में भी आपके साथ हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब रामबिलास शर्मा जी जंतर मंतर पर जाते हैं, वहां पर जाकर वो वादा करते हैं कि पहली कलम से हम आपको पक्का करेंगे, तो वो शरे आम इनके घोषणा पत्र में भी लिखा जाता है, वहां पर वो वे भी वादा करते हैं कि आपका 6 साल का एरियर, आपका 8 साल का एरियर, आपका 10 साल का एरियर भी दिया जाएगा। तो क्या वो चीजें जो इन्होंने वादे किए थे सिर्फ तब उनको नहीं पता था कि कानूनी दाव पे जाएंगे? आप किसी सरकार के दौरान अपनी वोटें लेने के लिए वादा करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि इस जंतर मंतर के ऊपर आने वाले जितने भी मंत्रिमंडल है वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कल को मंत्रिमंडल में आएंगे और हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। वादा खिलाफी बीजेपी सरकार ने की है और उनको शर्म आनी चाहिए। एक तो शहीद की पत्नी है जिसके पति की मृत्यु 10/10/2016 को हुई है, उसके बावजूद आज तक सेंटर से या प्रदेश की गवर्नमेंट से उसको 1 रुपए की भी पैसे वित्तीय सहायता नहीं दी गई, ना उसको पेंशन दी जा रही है। आप ये बता रही हूँ, इसके बावजूद ये सरकार जो है वहां पर जींद के अंदर अमित शाह की रैली में इतनी बदहोश हो रखी है कि ना इनके पास वीरांगना के पास जाने का समय है, ना इनके मुख्यमंत्री के पास अपने गृह क्षेत्र जहां पर करनाल में कांग्रेस छड़ा मुंडन कर रहा है लगवाने का वक्त था, ना जरूरी समझा, ना ही पैनल पर आकर सरकार का पक्ष रखा जाना जरूरी समझा जाता। विवेक जी, ज्योति जी, इसमें सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ, मैं तो कहूंगा जो नेता है ज्वार यादव जी, उनको बकायदा पहले पता लग चुका था कि ऐसा मुंडन कराने का काम ये कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज तक उनके पास टाइम नहीं है। वो अमित शाह जी की रैली में इतने व्यस्त हैं, 1 लाख मोटरसाइकिलों की उन्हें ज्यादा टेंशन है। सरकार की बात कर ले, पूरी सरकार को जानकारी थी। अगर आज ज्वाहर यादव जी की अगर बात करें तो ज्वाहर यादव जी सीएम साहब से सेकंड है, मैं यही कहना चाहूंगा। सीएम साहब के बाद ज्वाहर यादव जी का नंबर आता है, ज्वाहर यादव जी को पता है तो सीएम साहब को अपने आप ही पता है। उनका कोशिशें जरूर कर रहे हैं, उनका फर्ज था, उनको मिलाया जा रहा है, उनका फर्ज था वहां पर, उनका फर्ज था वहां पर पहुंचने का और इसको रोकने का। इससे पहले जब गेस्ट टीचर्स ने अपनी चुनरी उतार कर प्रदर्शन किया और खून से चिट्ठियां लिखने का काम किया, तो हमारे सांसद माननीय दुष्यंत चौटाला जी और नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी दोनों ने लोकसभा और विधानसभा में दोनों जगह इस मुद्दे को उठाने का काम किया और पूरे जोर शोर से उठाने का काम किया। और जाकर वहां जब ये चुनरी उतार कर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, उस समय पर वहां जाकर उन्हें चुनरी दोबारा से उड़ाने का काम किया, क्योंकि हम मान मर्यादा को जानते हैं, हम हरियाणा में रहने वाले लोग हैं, इनकी तरह नहीं कहीं कहीं से आके आज राजनीति करते हैं। करवाया गया, उसके लिए इनेलो ने कितनी कोशिशें की कि विपक्ष की भी कम से कम कोई भूमिका है, हम लोग रोकने की कोशिशें की करें किसी भी लिहाज से। नहीं, इनेलो के जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे सारे वहाँ पे पहुंचे और उनसे मिलके भी आए हैं, और 2 दिन के बाद वहाँ हमारे जो महिला अध्यक्ष हैं स्टेट के शीला बयान जी, वो भी जाने का काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद काम करेंगे सीएम साहब भी, यूं तो मिलने का काम करेंगे। राजीव रंजन जी, क्या लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचे हैं कि विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मुंडन करवाया जा रहा है, सरकार है कि सुनती नहीं? ये देखिए, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही मुझे लगता है कि खतरनाक संकेत है और इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको रेगुलराइज करने में सरकार ने जो पक्ष रखा है कोर्ट के सामने, उसको इन्होंने पूरी ईमानदारी से शायद नहीं रखा है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी जजमेंट आया हुआ है कि अगर आप सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करते हैं और वो कोई भी कैंडिडेट सारा अगर जो लेट डाउन जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको अगर मीट करता है तो उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। और बीजेपी का पक्ष जानेंगे, जवाहर यादव जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। यादव साहब, चर्चा में स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि जो पहली कलम की बातें हुई थी गेस्ट टीचर्स को पक्का करने को लेकर, वो कलम खो गई कहीं पे? नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल कहा कि कभी भी कि गेस्ट टीचर के लिए हमारी संवेदनाएं नहीं है या हम उनके लिए करना नहीं चाहते हैं। जी, कानून के दायरे में रहकर जो भी विधि सम्मत चीजें हो सकती है, हाँ, वो निश्चित रूप से हम करना चाहते हैं।
हमने ये बिल्कुल कभी नहीं कहा कि गेस्ट टीचर के साथ कोई हमारी कमिटमेंट, हमने उनके लिए वादा किया था, निश्चित रूप से किया था जी। हम उससे भी नहीं मुकर रहे हैं, हमारी सहानुभूति भी है और उसके नाते हम जो जो इसमें कर सकते हैं वो हमने किया है, परंतु कुछ कानून की मर्यादा है और अभी भी ये केस पेंडिंग है, माननीय न्यायालय में है। इस पर मेरे कहने सर, मामला अदालत में पहले भी था, मामला अदालत में पहले भी था, क्या सशर्त वादा किया गया था, क्या उस वक्त बीजेपी को नहीं पता था, क्या उस वक्त रामविलास शर्मा को जानकारी नहीं थी कि कानूनी पेच है मामले में, सरकार में आने के बाद याद आया? एक मिनट, आज सरकार में आने के बावजूद भी हम कह रहे हैं, क्योंकि मैं क्या कह सकते हैं, टीचर अगर सामने बैठते हैं तो हमें पता है कि हमने इस पूरे विषय पर क्या क्या किया है, परंतु जब कोई विषय माननीय न्यायालय के समक्ष होता है तो उस पर मेरी पब्लिकली बोलने की एक मर्यादा है, उस पर मेरी लिमिटेशन है, उसको आपको समझना चाहिए जी। जवाहर यादव दिनेश गौतम जी गेस्ट टीचर है हमारे साथ, दिनेश गौतम जी वो आपसे सवाल करेंगे, सुनिए। जवाहर यादव जी आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको 11 तारीख का हमारा प्रोग्राम था, मैंने 10 तारीख को 7:52 पे आपके पास फोन किया था और मैंने आपको सूचित किया था कि हमारी बहनें मुंडन करवाने जा रही हैं, हम लोग रैली कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी तरह से इस मुंडन को हम रोक देंगे, किसी भी अधिकारी को आप भेज दीजिए ताकि ये देश और प्रदेश में हरियाणा की छवि खराब ना हो। हम भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, हमारी मजबूरी है क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो आपने लगभग 8-10 मिनट मुझसे बात की थी और आपने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी बात करूंगा, तो आपने वो बात की या नहीं की उसका जवाब भी मैंने आपसे 15 मिनट के बाद ले लिया था। दोबारा मैंने आपको फोन किया, आपने कहा कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि जाटों की रैली के चक्कर में, जाटों के जो आंदोलन है रैली के चक्कर में जो है वो बिजी हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, क्या ये सरकार की बीजेपी की प्राथमिकताएं समझ ली जाए, क्या ये बीजेपी की प्राथमिकताओं का आईना है, इसे देख लिया जाए। अरे सुन लीजिए ना, बीजेपी प्राथमिकता मतलब मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, मैं इनको सुन रहा था, इसलिए इनके पास मेरी रिकॉर्डिंग होगी, गलत तथ्य बोल रहे हैं, जानकारी नहीं है इनको। ऐसे है सर, मेरी बात सुनो, आप रिकॉर्डिंग को मैंने सुना ना, अरे आपने बोला मैंने सुना, मैंने सुनने के बाद आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपका उत्तर जरूर देके फोन तब तक मैं बातचीत करूंगा जब से आपसे बातचीत होगी। मैं बिल्कुल ठीक है सर, बोलिए आप, बोलिए बोलिए। इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है इस पे हम बात करते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि मुंडन करने की है, मैंने कहा देखिए मुंडन आप करना चाहते हैं, लोकतंत्र ने आपको अधिकार दे रखा है, अगर आप लोकतंत्र के अधिकार दे रखा है, आपको शर्म दीजिए। महिलाएं उस वक्त मुंडन करवाती थी जब पति की मौत हो जाती थी, आप ये बताइए, पुराने समय की बात कर ले, पति की मौत पर मुंडन करवाया जाता था, क्या सरकार के लिए, सरकार के लिए शर्मनाक नहीं, क्या सूबे के लिए शर्मनाक नहीं, क्या पूरे देश के लिए शर्मनाक नहीं है? नहीं, मुंडन का पता तो लोकतंत्र की परिभाषा में आता है, बताइए। रामलाल शर्मा जी अपनी पत्नी का मुंडन करवाए ना, अगर उनको शर्म नहीं आती तो मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूँ, जो मैं इनको बाद में व्हाट्सएप भी किया। नहीं तो ऐसा ही, मैं धन्यवाद, अगर आपने मुझे नहीं जवाब, आप जाइए मत, जाइए मत, ये तो पुरानी आदत है, जब आपने जवाब दिए एक बार के लिए सुनेंगे, क्या सर ये परिभाषा लोकतंत्र की है कि मुंडन करवाएंगी महिला जो अतिथि अध्यापक है, सरकार गंभीरता से ही नहीं लेती, रोकने की कोशिशें नहीं करते, बताइए। अब मेरा निवेदन है, आप सुनिएगा, आप एंकर है, मेरा निवेदन आप सुनिए, आप मेरे शब्दों को, आप मैं गलत बोल रहा हूँ तो जनता तय करेगी, परंतु आप मेरे पर टिप्पणी नहीं कीजिए, मेरा निवेदन मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मैंने इनको कहा, इनको ये कहा कि अगर आप कानून का किसी नियम को नहीं तोड़ते, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप के अपने हाथ में नहीं लेते, बाकी आपका अधिकार है, आप क्या करते हैं, ये मेरे शब्द है, इनके पास अधिकार है, अरे अधिकार है, आप खुद कह रहे हैं, अरे मैं बात, अगर आपकी बहन बेटी वहां पे बैठी होती तो आप फिर भी यही बात कहते, अरे आप फिर बीच में आ गए, मेरी बात सुनिए ना पहले, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप मतलब आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, आप मेरी बात सुनिएगा, सुनिए, अरे सर सुनिएगा, सुनिएगा, आप हाँ मैंने सुना था ना, मैंने इनको ये कहा कि अगर कुछ है तो ये आपका निर्णय, आप क्या करते हैं, नंबर एक। दूसरा इन्होंने कहा कि, मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि सीएम साहब से मेरी बात हो जाए, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सीएम साहब से मेरी बात होगी और उन्होंने समय नहीं दिया, ये गलत दे रहे, इनके बाद इनके इनके एक एक मेरे शब्द इनके मोबाइल में रिकॉर्ड है,
उसको आप निकलवा के सुन लीजिएगा और पांच बात ठीक है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जवाहर यादव जी एक बार के लिए सुनिए, सुनिए एक बार के लिए, अभी व्हाट्सएप जो चैट है वो भी हम दर्शकों को दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं कि आपके साथ क्या बातचीत की गई थी इसी विषय को लेकर, और आपने कहा कि अधिकार है शिक्षकों को, तो ये नौबत कैसे आ जाती है? रंजिता मेहता जी, ये खुद मजबूर कर रहे हैं, साफ इनके बयान बता रहे हैं कि हमने कह दिया, उन्होंने तर्क किया और हमने कह दिया कि उनको लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने जो करना कीजिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आज रामविलास शर्मा जी अपनी पत्नी का मुंडन करवाए, हम इस बात की मांग करते हैं। आज जितने भी मंत्रिमंडल आपका है, जवाहर यादव जी आपकी पत्नियों के मुंडन कराइए, फिर आपको पता चलेगा एक महिला की गरिमा क्या होती है, एक महिला की इज्जत क्या होती है, एक शहीद की पत्नी मुंडन करवाती है और आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार आप करवाइए। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था जी, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप अपनी पत्नियों से मुंडन करवाइए, दिनेश मगर जी से मुंडन करवाइए, दिनेश मगर जी चलेगा कि चलिए सुनिए सुनिए गैस टीचर्स का पक्ष जान ले एक बार के लिए। आप चैट भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई बताइए, बोल के बताइए। जवाहर यादव जी से मेरी बातचीत जब हो रही, इन्होंने कहा कि मुझे आपका विषय समझ में आ गया, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि मैं मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से सूचित कर सकूं। ये मैंने पूरी डिटेल इनको देख लीजिए भेज दीजिए है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर। मैंने कि मेरी बात हो गई, ये कब का मैंने कि मेरी बात होगी और मैं उन्होंने मना किया, आपने ये शब्द बोले कहीं आपके पास एक एक शब्द मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, आप ही रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, आप ये कह रहे हैं। अरे मैं तो ऐसा जी, मैं सर, क्या सीएम को मीडिया के जरिए जानकारी ऐसे है, हम तो क्या जानकारी दे रहे हैं, दोनों ही पक्षों को एक बार के लिए ना सुनिए दस झूठ मतलब साहब सुनेंगे एक बार के लिए, क्या मीडिया के जरिए जानकारी नहीं थी, क्या जवाहर यादव को फोन करके नहीं बताया जाएगा, सुनिए एक बार के लिए, तो क्या सीएम तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी, बताइए। तो सीएम साहब के विषय, सीएम साहब की जानकारी में पूरा विषय है, इसमें जो हम कर सकते हैं वो हमने किया है। और दूसरा, मेरे जो कांग्रेसी साथी कह रहे थे ये अगर चीजें आप सब चीजों का ध्यान रखते, तो मैडम ये तो बीज तो आपने बोया, हम तो इनके साथ। जवाहर यादव जी शर्म कीजिए, हर चीज का ठीकरा कांग्रेस पे छोड़ना बंद कीजिए। आपको बताया जाता है कि महिलाएं खून से पत्थर लिखकर आपको कह रही हैं कि हम 11 तारीख को मुंडन। जवाहर यादव जी बीज बीज किसी ने भी बोया था, वादा वादा आप लोगों ने किया था, जवाहर यादव का वादा आप लोगों का था। विवेक जी बोलिए, वादा वादा बीजेपी का था, बीज भले ही किसी ने बोया, जवाहर यादव जी अगर वादा इन्होंने किया था, बीज इन्होंने बोया था, तो वादा आपने किया था जिसके लिए आपको सत्ता में लोगों ने लाने का काम किया। आप आज कहते हैं कि बीज इन्होंने बोया, आपको क्या पता था उस टाइम जब आप वादे कर रहे थे, झूठे लोग आपने वादे लोगों के साथ कर रहे थे, उस टाइम आपको नहीं पता था। आज आप मुंडन के ऊपर कहते हैं कि हमने कह दिया जो आपने करना है करिए, क्या आपकी बहन बेटी आपके तो भी आप यही कहते हैं कि जो करना है कीजिए। आप बताइए जनता को जवाब दीजिए कि आप तब भी यही कहते हैं कि जो करना है कीजिए। आप तो इसी तरह तीन बार हरियाणा को जलवाने के बाद भी आप यही कहते हैं जो करना है कीजिए, समय समय पे आप यही कहते रहते हैं। आपके पास अमिता के अलावा और किसी काम के लिए पहली नहीं है। पहली कलम का तो हालांकि जिक्र किया गया था, वादा किया गया था, जहां बेदर्द हो हाकिम वहां फरियाद क्या करना। अब जो शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, वो कहां पे फरियाद करें सर, इतना बताइए। अब इसका उत्तर ले लीजिए, एक तो उन्होंने कहा कि वादा हमने किया था, बिल्कुल हमने वादा नहीं, मेमोरेंडम के अंदर आपके अंदर जवाब दे रहा हूँ, आपके जवाब से मैं भागने का जवाब दे रहा हूँ। ये निश्चित रूप से जो भी साथी कह रहे थे, पत्रकार थे या विपक्ष के साथी थे, मुझे नहीं पता, उनकी आवाज जो मुझे सुनाई थी वो ये कह रहे हैं कि वादा आप लोगों ने किया था, वादा आप लोगों ने किया था। मैं बिल्कुल उसको ऑन करता हूँ कि हमने ये वादा किया था, और इस वादे के तहत उसमें यह है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक शिक्षक पर 25 विद्यार्थी हो। ये सिर्फ हमने इसलिए किया क्योंकि जेबी कांग्रेस ने जेबीटी के समय भी गड़बड़ कर रखी थी, उनकी भी इनको उत्तर से दिक्कत हो रही है, इनको उत्तर से दिक्कत हो रही है, उत्तर सुन लीजिएगा, निवेदन है मेरा, उत्तर सुन लीजिए। ये लोग बाहर ना जाए इसके कारण हमने उस रेशो को भी ठीक किया जिससे क्लास में क्वालिटी भी बदले, कम विद्यार्थी होंगे। और आप लोगों ने जितना किया यादव साहब, माफी के साथ मैं आपको रोकूंगी, माफी के साथ मैं आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि सवाल ये था कि फरियाद कहां लेकर जाएं, बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद क्या करना, ये रामविलास शर्मा उस वक्त कहते थे जब हरियाणा अध्यक्ष वो होते थे बीजेपी के, तो अब फरियाद कहां की जाए, सवाल आपको याद दिला दूं। हां सवाल फरियाद हमसे, देखिए निश्चित रूप से इनको हमसे पूछना चाहिए और हमसे कहना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं उससे बिल्कुल नहीं मांग रहा कि इनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है, दायित्व है। उसी के कारण ये है कि अगर वो रेशो नहीं होता, 30 की जगह 25 नहीं आता,
तो जो क्लास की क्वालिटी सुधारने के लिए और सभी टीचरों को मौका मिले वो अवसर हमने दिया है, ये मेरे मित्र जानते हैं। जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। ज्योति जी, आज हरियाणा के अंदर 52,000 टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है और ये पॉलिसी के तहत आंकड़ा आपने खड़ा कर दिया। 52,000 पोस्टें खाली पड़ी है, मैं आंकड़ा कर दूं तो ये ऑर्डर करा रखा था। 52,000 पोस्टें खाली पड़ी है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जेपी नड्डा जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी वाइफ भी टीचर है, वो टीचर तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की है पर मौज मस्ती के लिए वो दिल्ली में रहती है और घर बैठे उनको सैलरी मिलती है। ये किस बात की, ये गेस्ट टीचर्स जो है वो डीडीओ का काम भी करते हैं, वो जनता नहीं है, आप उनको अपने फायदे पहुंचाने के लिए। चलिए राजीव रंजन जी को चर्चा में जोड़ने जा रहे, सब आएंगे आपके पास, कई सवालों के एक साथ जवाब लेंगे। फिलहाल चर्चा सुन लीजिए, आपके लिए सवाल निकलेंगे इस चर्चा से। राजीव रंजन जी, जब बातें किए जाते हैं सुनिए एक बार के लिए, घोषणा पत्र में यादव साहब सुनिए, जवाब लेंगे, जवाब एक साथ हम लेंगे आपसे। राजीव रंजन जी, आप ये बताइए, घोषणा पत्र में जिन वादों को शामिल किया जाता है, क्या पार्टियां उनके लिए गंभीर नहीं होती? बिल्कुल गंभीर होनी चाहिए। देखिए, जब हम पॉलिटिक्स ऑफ मैनिफेस्टो में, अब हो क्या रहा है कि मैनिफेस्टो के साथ ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अब मैनिफेस्टो जो है झूठ का पुलंदा बनते जा रहा है, उसमें अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करते हैं। और जहाँ तक गेस्ट टीचर की बात है, देखिए मुझे अभी डिबेट को सुनते सुनते मुझे एक मतलब ही दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कि हर एक सोसाइटी में, हर एक राष्ट्र में, हर एक राज्य में शिक्षा और शिक्षक के प्रति हमारा व्यवहार सर्वोत्तम होनी चाहिए और 10 कदम आगे बढ़ करके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस बात को बार बार अपने कई वक्तव्यों में इन्होंने रिपीट किया है कि देखिए, शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता है और जो स्टूडेंट्स है वो हमारे देश का भविष्य है। कोई भी सरकार इनके खिलाफ, इनके साथ अगर थोड़ी सी भी व्यवहार में अगर अकुशलता और उसमें कंप्रोमाइज करते हैं तो यह देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कम से कम हमारी ये जो उम्मीद थी, देखिए हमने कांग्रेस के टाइम में भी एजुकेशन के हाल को देखा है। हरियाणा में 10वीं क्लास में 50% बच्चे पास करते हैं और जो 50% बच्चे पास करते हैं उसमें 80% को 60% से कम मार्क्स आता है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना हुआ हुआ है, एक सीरियस मुद्दा। और आज गेस्ट टीचर्स के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इसमें कोई टीचर बनना नहीं चाहेगा। जवाहर यादव जी, अगर कानून इतना ही, हालांकि इसमें कोई विकल्प नहीं है, जरूरी है कानून की पालना किया जाना भी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट जब कहता है समान काम के लिए समान वेतन दीजिए, उस पर गौर कीजिए कम से कम। अब मेरा निवेदन है, बिल्कुल है, इन्होंने उस दिन जो मेरी बात हुई थी दिनेश जी से, उन्होंने भी ये कहा था, मैंने इनको कहा था देखिए इस वाले मामले में टेक्निकली दिक्कत है, तो उन्होंने ये कहा था जी हमारा जो समान वेतन है उस पर है। मैंने कहा इसके ऊपर हम एक चर्चा कर सकते हैं, ये मेरी इनकी ये भी बात हुई, बात आगे बात करते हैं। अरे मैं बोल लेता हूँ, मेरा निवेदन है, बोल लेता हूँ। दूसरा, अभी जो आपने पत्रकार मित्र जोड़े, वो कह रहे हैं कि अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए और एक महिला खुद कहती है कि दिल्ली में एक महिला मौज मस्ती के लिए रहती है क्योंकि वो टीचर है, तो हम क्या कह रहे हैं? और दूसरा, हमने केंद्रीय मंत्री की पत्नी है, इसलिए उनको वहां बैठे सैलरी मिलती है। महिला भी है, परंतु टीचर भी है, कोई उनके ऊपर सवाल उठा रहा है, मौज मस्ती क्या होता है हिमाचल में? मौज मस्ती क्या होता है? मौज मस्ती क्या होता है? तुम्हें शर्म, आपको आपके ऐसे हल्के शब्द करते हो, इस्तेमाल करते हो, वो नहीं आती? आप एक महिला के लिए कहते हो मौज मस्ती, महिला मुंडे फिरा लेती है उससे आपको शर्म नहीं आती? और मैं महिला के लिए ये बोल देती हूँ कि वहाँ मौज मस्ती के लिए रह रही है तो आपको शर्म आ रही है क्योंकि वो एक मंत्री की पत्नी है और ये एक शहीद की पत्नी है। सुनिए रंजिता जी, सुनिए एक बार के लिए, किसी की पत्नी, कोई पत्नी महिला नहीं होती क्या? क्या वो टीचर नहीं है? की पत्नी नहीं थी क्या? शहीद की पत्नी पत्नी नहीं होती? अगर वो मुंडन करवाती है सर, यहाँ सबके बीच में बैठकर क्या? जवाहर यादव साहब सुनिए, रंजिता जी सुनिए, सुनिए सुनेंगे बेहतर चर्चा हो पाएगी। जवाहर यादव जी, 13,700 सुनिए एक बार के लिए, गेस्ट टीचर्स हैं उनमें भी महिलाएं शामिल हैं, वो भी किसी की बहन बेटियां और पत्नियां हैं। जवाहर एंकर, आपको आपत्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? चलिए ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप, यादव साहब सुनिए, बहन जी सुना दीजिए एक बार के लिए, सुनिए, मैं इन शब्दों पर आपत्ति जाहिर करती हूँ, किसी भी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन 13,700 जो शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, किसी की बहन बेटियां और पत्नियां हैं, वो किसी मंत्री और नेता की रिश्तेदार नहीं, वो अलग बात है, लेकिन महिलाएं वो भी हैं सर, उनके लिए कितना गंभीर है? हाँ, आप ये बताइए, उन महिलाओं के लिए हमने कोई गलत किया क्या? हमने ये कहा कि कानून के दायरे में रहकर जो जो इसके लिए समाधान हो सकते हैं, हम कुछ नहीं गलत क्या किया? मैंने भी कहा आपको सब कुछ पता होते हुए, हमने भी कहा नहीं, आपने कुछ नहीं गलत किया, तीन बार आपने हरियाणा जलवा दिया फिर भी कुछ नहीं गलत किया, सब कुछ पता होते हुए मुंडन होने दिया फिर भी आपने कुछ नहीं गलत किया, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको आदत पड़ चुकी है। आप लोग, अरे
तुम्हारी सरकारों के कार्यकाल पूरा हरियाणा जानता रहा मैं तो तुम्हारी तो जानते हैं आप किस लिए सत्ता में बैठे हैं आप बताइए अरे चोरी है चोरी है तुम्हारे कार्यकाल का सबको पता है क्या क्या हुआ अरे सबको पता है तभी आप लोग आए आप लोगों को मौका मिला अगर हमारा मौका मिला संकल्प पत्र किसे कहते हैं संकल्प पत्र आप लोग कहते हैं उसमें आप लोगों ने संकल्प लिया गैस टीचर्स को पक्का करने का लेकिन तीन साल गुजर चुके हैं अभी तक क्या किया वो जनता के सामने है। देखिए वादा तो झूठा है और ये हम नहीं कहते ये खबरें अभी तक नहीं कहता लेकिन रामविलास शर्मा की जो पहले का बयान सुनते हैं पहले का वादा सुनते हैं और जो करनी है अभी उसमें जो फर्क दिखता है वो साफ साफ कहता है कि वादा झूठा है। चर्चा कर रहे हैं गैस टीचर्स को लेकर उनको पक्का किए जाने को लेकर और गैस टीचर्स का ही पक्ष जानेंगे एक बार फिर से। क्या कुछ लगता है गौतम जी कितना मजबूती के साथ सरकार ने आप लोगों का पक्ष रखा क्योंकि सरकार ये दावे करती रही कि पक्ष रख रहे हैं आप लोगों का। देखिए हमारा पक्ष ना तो आज तक कांग्रेस ने रखा है जी और ना ही बीजेपी ने रखा है चाहे कोई कुछ कहता रहे ये सब जानते हैं हमारा पक्ष रखा जाता तो हमारे फेवर में ही फैसला आता। आज भी हमारे पास वो सारे तथ्य हैं यदि हमें सीएम साहब 17 तारीख का जो टाइम दिया है कहेंगे तो बिल्कुल एक एक करके उनके डबल एजी एजी जो भी हैं अच्छे से अच्छे जो कानूनविद हैं हम उनको दिखा देंगे उनके मुख से ही ये कहलवा देंगे कि ये बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट हुई उसकी हमारे पास कॉपी है ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। उसके बाद रिजर्वेशन का लेटर हमारे पास है अब उसको कोई अधिकारी जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन लागू नहीं करता है कुछ एक मामलों में तो वो अधिकारियों की गलती है उसमें हमारी गलती नहीं है और ऐसा तो रेगुलर भर्तियों में भी होता आया है बैकलॉग की गलती है आज अधिकारियों की गलती उस दिन भी थी हालांकि सरकार कितना गंभीर है वो भी एक बात हो सकती है लेकिन अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचते एसडीएम तक मौके पर नहीं पहुंचते जब मुंडन करवाया जाता है। देखिए ताज्जुब की बात ये है ज्योति जी कि जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे मैंने इनको ये नहीं कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी। आप देखिए बकायदा खून से लेटर लिखकर उन्होंने ये कहा था कि 11 फरवरी को हम ये करवाने जा रहे हैं ये 6 तारीख को ही लिख दिया 10 फरवरी के ऊपर पूरे मीडिया में ये चल रहा था कि वो महिलाएं बार बार बयान दे रही थी हम ये कल करवाएंगी और सुबह से लेकर मीडिया वहां पे था जब तक उन्होंने मुंडन नहीं करवाया तब भी बार बार यूट्यूब पे हर चीज पे वायरल हो रहा था कि ये मुंडन करवाने जा रहे हैं उसके बावजूद भी जाकर नहीं रोकते हालांकि लोकल पब्लिक सब रोक रही थी लोकल जो लोग वहां पे मौजूद थे सब रो रहे थे उसके बावजूद भी ये संवेदनहीन सरकार जो है वहां पे ना कुछ जाने की कोशिश करता है ना ही रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद जवाहर यादव जी का आपने बयान सुन लिया जो ये कह रहे हैं कि हमने कहा भी लोकतांत्रिक तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं अरे शर्म की रंजीता जी हालांकि सरकार से ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं लेकिन आप लोग भी विपक्ष पर हैं विपक्ष में हैं और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है आप लोग भी अमित शाह की रैली को फ्लॉप करने में जुटे हैं आप लोग भी किसी तरह की कोशिशें करते कम से कम उस दिन नजर नहीं आए जितना विपक्ष में आप लोगों की लोकतंत्र में भूमिका है बताइए। मैंने आपको ये बताया मैम हमारी महिला कांग्रेस की टीम बकायदा वहां पे थी उन्होंने भी उनको रोकने की कोशिश की थी पर वो मानने को तैयार नहीं थे कि कांग्रेस ने कहां रोकने की कोशिश की थी महिला कांग्रेस की टीम हमारी जो वहां पे पदाधिकारी जिला प्रेसिडेंट है हमारी वो दोनों वहां पे मौजूद थी हमारे हमारी वहां की वाइस प्रेसिडेंट है कमल मान वो भी वहां पे मौजूद थी पर वो महिला जो थी वो मान नहीं रही थी वो कह रही थी हम अडिग गए और हम ही करके रहेंगे क्योंकि वो कह रहे थे कि जब सीएम साहब को हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और मैं एक विधवा हूँ ना मेरे ससुर है ना मेरे कोई जेठ है ना मेरे कोई जो हस्बैंड है उनके कोई ब्रदर है मैं किसी तरह की मेरे पास कोई इनकम नहीं है मैं भी विकलांग हूं मैं कोई काम नहीं कर सकती उसके बावजूद मैं अपने बेटे का बच्चे का जो पालन पोषण कैसे करूं वो बार बार गुहार लगा रही थी और जितनी भी महिलाएं गैस टीचर और भी थी वो भी ये कह रही थी कि अगर ये करेगी तो हम भी करेंगे। जाट समुदाय की ओर से कहा गया कि अमित शाह की रैली में विरोध वो करने वाले हैं समांतर रैली वो निकालने वाले हैं और खुद गैस टीचर्स ने भी कहा कि वो लोग भी विरोध करेंगे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई आप देखिए ना ये तो किसी की भी करने के लिए तैयार नहीं है। आज से पहले जब इनका प्रोग्राम बना था तभी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखने का काम किया उसका भी आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके कान पे जूं बिल्कुल नहीं रहेंगे कि जब तक ये हरियाणा को दोबारा से जलाने का काम नहीं करेंगे। अमित शाह जी का आना यहाँ जरूरी हो गया वो मुंडन हो रहा है उसको रोकना जरूरी नहीं था सब कुछ पता होते हुए। मैं आपको ज्योति जी बताना चाहूंगा रेवाड़ी के अंदर जब इलेक्शन का दौर था रेवाड़ी के अंदर पहली रैली मोदी जी ने की बिल्कुल उसके अंदर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की ठीक है बहुत वादे किए हाँ। उसको देखते हुए लोगों ने उनको वोट दी पर आज जो काम करनाल के अंदर हुआ उसको देखकर हम खुद शर्मिंदा हैं कि हमारी बहन बेटियां ऐसे आप देखिए 5 बार पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स को उस समय नहीं बुलाते जिस टाइम हरियाणा के अंदर बलात्कार होते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है पर
पैरामिलिट्री फोर्सेस को तब बुलाया जाता है जब इनके अमित शाह जी आते हैं। विश्वास तो कम से कम उठेगा अगर इस तरह से वादा किया जाता है। सरकार में आकर 3 साल गुजर चुके हैं, उस तरह की कोई मंशा नजर नहीं आती। सीएम ने मुलाकात तक अब तक नहीं की। देखिए, इसमें जो पॉलिटिकल क्लास का जो रिस्पॉन्स है टीचर्स के प्रति, वो देखिए मुझे लगता है कि कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये सारे अपॉइंटमेंट 2005 और 7 के बीच में हुआ। 2014 तक कांग्रेस की सरकार हुई, अब इस सरकार के 4 साल हुए हैं। उनको 7 साल का टाइम था इनको ठीक करने का, उनका भी अप्रोच बाय एंड लार्ज वही रहा, इनकी भी स्थिति वैसी ही है। तो ओवरऑल जो रूलिंग क्लास का जो शिक्षा के प्रति जो अप्रोच है, उसमें कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं हो रहा। एज अ रिजल्ट परिणाम हमारे सामने है। गेस्ट टीचर्स अगर आपने अपॉइंट किया, तो अगर आप इसको 45 दिन 2 महीने 3 महीने एडवर्टाइज करके इनको आप रेगुलर अपॉइंटमेंट कर लेते, ये प्रोटेस्ट नहीं करते कि हमने 6 मंथ्स पढ़ाया बाद में रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गए, ऐसा नहीं होता। अब 10-10, 12-12 साल तक इस प्रकार से आप पढ़वा रहे हैं और उनको सबों के कैरियर खराब होगा, अब तो कोई जॉब भी उनको नहीं मिल सकता। बहुत ऐसे होंगे उनके, वो तो प्रॉब्लम है। या तो सरकार कम से कम ये कहे कि अयोग्य है ये लोग, और अयोग्य अगर कहा जाए तो कम से कम ये बताया जाए, सुनिए एक बार के लिए, ये बताया जाए कि अब तक आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे, तमाम दस्तावेज सामने है, सरकार कम से कम अपनी मंशा जाहिर करे कि गेस्ट टीचर्स को लेकर क्या सोचती है। देखिए, हमारी 2 बार सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ याचिका लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे कि भाई इनकी जांच की जाए। वो पत्र हमारे पास है और उसमें हमारी 2 बार जांच की गई और हम बिल्कुल सही पाए गए। जी, योग्य टीचर्स हैं तो योग्य टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। देखिए, हमारा रिजल्ट देख लीजिए, रेगुलर दे रखा है। यदि ज्यादा हमारा रिजल्ट है तो हमें पक्का कर दीजिए, नहीं रहने दीजिए। ये भी हम इनसे इनको वायदा करते हैं। नहीं नहीं, क्वालिफाइड टीचर्स की आपने बात, अरे सर हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है डीलीट जैसे हमारे पास नेट क्वालिफाइड। ये तो फैक्ट है, ये तो हमने जेपीटी के ऊपर भी हमारे बीए बीएड टीचर लगे हुए हैं। बीजेपी से सवाल ये करते हैं कि वादा किया गया था पहली कलम से पक्का करने का वादा किया गया था, कलम कहाँ है, ये जवाब नहीं मिलता। मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि इतनी जोर जोर से वादे करना, उसके बाद आप खुद शिक्षा मंत्री बनते हैं, आपके खुद के हाथ में कलम आती है और आप तब भी उस चीज को पूरा नहीं करते। आप देखिए, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया, एमपी में भी ये सेम पॉलिसी लाकर जो था वो वीटो पावर सीएम के पास होती है। आप कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ। आप उनकी और नहीं तो कम से कम सैलरी ही डबल कर सकते हैं जो कि और सरकारों ने की है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को अगर आपने वादा किया था और अगर उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो और भी बड़े साधन है उनको ठीक करने का, उनको सांत्वना देने का। उसके बावजूद आप इतनी गैर जिम्मेदाराना अपने अप्रोच दिखाते हैं कि महिला आपको कहती है कि मैं मुंडन करवाऊंगी, उसके बावजूद वो करवाती है। और वो केवल एक आम महिला नहीं, वो शहीद की महिला है। 22 साल तक उसके पति ने इस देश की सेवा की है और उसके बाद वो देश के लिए शहीद हुआ है। आज 1.5 साल हो चुका है उसको पेंशन नहीं दी जा रही, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। या फिर ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप लोगों का बहुत बड़ा कोई वोट बैंक नहीं। देखिए, हमारे वोट बैंक की यदि हम चर्चा करें, आज भी हम 13,746 कार्यरत हैं, हमारी कम से कम 10-10 रिश्तेदारियां हैं और उनके भी हर परिवार में 10-10 मेंबर हैं। हमारी कम से कम 70 लाख वोटें आज हरियाणा में हैं। ये सोच रहे हैं कि हम 70 लाख वोटों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारे जो है बहुत सारे कार्यकर्ता इनका बैग उठा करके इनके वायदे के अनुसार जो है रामविलास जी के अनुसार कि बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी जी की लहर बनी हुई थी, हमने इनके बस्ते उठवाए हैं और इनकी पूरी मदद की है और हमारी वजह से ये सरकार बनी है। और अब की बार ये सरकार बना के दिखा दीजिए, इनको मान जाएंगे। जब भी इलेक्शन होते हैं, काम लिया जाता है। करनाल में मुंडन होना था, शुरुआत होनी थी, वहां सीएम उस दिन नहीं पहुंचते, खून से खत लिखे जाते हैं, निमंत्रण दिया जाता है, उसके बावजूद नहीं पहुंचते, उससे अगले दिन करनाल पहुंच जाते हैं, क्या कहा जाए फिर। देखिए, जो ज्योति जी असलियत है वो ये है कि सीएम साहब को मैं तो अनुभवहीनता ही कहूंगा, जो समय समय पर देखा गया है किस तरह से हरियाणा का क्या बुरा हाल करके इन्होंने रख दिया। वहां सीएम साहब को जाने का फिर भी टाइम नहीं मिला, पीड़िता के पास पहुंचने का फिर भी टाइम नहीं मिला। आप देखिए, अपने काम के लिए वहां पे गए हैं, जाटों ने एक छोटी सी कहना घुरकी इनको दी और साथ के साथ सीएम साहब ने मीटिंग के लिए उनको बुला लिया। अगर 5 घंटे तक मीटिंग चली और एक गुट को उन्होंने सहमत भी कर लिया। हाँ। जो यशपाल मलिक गुट था उसको सहमत भी कर लिया, पर उसके बाद भी क्या ये सोचते हैं रैली सक्सेसफुल होगी? क्योंकि हरियाणा की आम जनता जो आज बिल्कुल तंग आ चुकी है बीजेपी से और आने वाले समय में बता भी देंगे, और इनेलो ने तो खुलेआम कहा है कि हम इनका विरोध करेंगे काले झंडे और काले गुब्बारे उड़ाकर। पर जो बात यहां आती है इसमें हर कोई शर्मसार है, हम भी उसमें हैं, हमें भी शर्म आती है कि आज क्या हरियाणा का हाल इन्होंने करके रख दिया। जो दूध दही का हरियाणा जाना जाता था, आज उसका इन्होंने बुरा हाल करके रख दिया।
पैरामिलिट्री फोर्स अमित शाह के लिए आती है, पर बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पीएम यहां से करते हैं। पार्टी प्रमुख भी यहां पहुंचेंगे, बेटियां मुंडन करवाती हैं, महिला जो शिक्षक हैं अतिथि, कितना शर्मसार होना चाहिए सरकार को? ये शर्मसार क्या, मैं ये तो इंतहा है। देखिए ये तो हम आप सोच नहीं सकते हैं कि संवेदनहीनता का ये तो मतलब इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है जी। और इस प्रकार की सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सरकार कर क्या रही, उनके प्रॉब्लम्स क्या, उनके एडवाइजर्स क्या। देखिए बार बार ये कोर्ट का नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ये व्यवस्था दे रखा है कि अगर आप सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करते हैं इवन एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। ये तो इतने वर्षों से कर रहे हैं, ये सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, जो नहीं है आप उनको हटा सकते हैं, लेकिन जो है उनको रेगुलराइज कीजिए और उनको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए। ये 10,000, 5,000, 15,000 ये इस तरह से आप बांट करके ये जो शिक्षा के प्रति संवेदनहीनता है और शिक्षक के प्रति जो संवेदनहीनता है, ये बहुत चिंता की विषय की बात है। शिक्षा और शिक्षक बहुत ही सीरियस बिजनेस होता है, इसको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस के टाइम में भी इनका कोई समाधान नहीं निकला और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भी समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि अब चुनाव का टाइम बता दिया है। हालांकि का जो बीजेपी का वादा है वो अपनी जगह पर है, क्या कांग्रेस से भी नाराजगी किसी तरह की? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं पॉलिसी के बारे में रेगुलराइज जी। जब 1970 के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की स्थापना की गई तो उसके अंदर ये प्रावधान रखा गया था कि यदि गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी के तहत किसी कर्मचारी को, अस्थाई कर्मचारी को यदि रेगुलर करती है तो उसको जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से बाहर की पोस्टें मान करके उनको फिलिप माना जा सकता है। तो जब तक मान लो हमारे केस के अंदर कहते हैं कि स्टे हुआ है कि आपकी पॉलिसियां चैलेंज है, तो आप तब तक हमें उनको प्रोटेक्ट कर दीजिए उस रूल के तहत, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का, उससे हमारी पोस्टों को बाहर निकाल दीजिए कि इनको कभी नहीं भरेंगे। जब हमारे हक में फैसला आ जाएगा तो हमें रेगुलर कर दीजिए, नहीं आता है तो तब की स्थिति तब देखी जाएगी। कम से कम हमें ये तो कहते हैं ब्रेक से पहले जवाहर यादव हमारे साथ फोन लाइन पर थे, अब लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा। उससे पहले भी दर्शकों को जानकारी दे दें कि बीजेपी कार्यालय में जब हमने फोन किया कि बीजेपी प्रवक्ता हमें चाहिए इस मुद्दे पर बोलने के लिए, तो जींद रैली का हवाला दिया गया कि सारे नेता प्रवक्ता कार्यकर्ता वहां व्यस्त हैं। ज्योति जी मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं इनको, जो पिछली बार अमित शाह जींद में आए थे आपको याद होगा कि वहां पे भी गेस्ट टीचर्स वहां पहुंची थी और उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, बकायदा उनके मुंह पे हाथ रखकर उनको धक्के मारकर उस रैली से बाहर निकाला गया था। तो आज किस मुंह से अमित शाह जी दोबारा आ रहे हैं, 8 एकड़ के दूर बड़े बड़े हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का पेट्रोल जो है वो बाइक्स में डलवाकर खर्च किया जा रहा है, पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, हाईकोर्ट इनको जवाब मांग रहा है, उसके बाद इनका जवाब नहीं है, और मात्र 224 मीटर की दूरी पर अमित शाह जी उतर रहे हैं। इतना डर है इनको कि क्योंकि इनको पता है कि किस मुंह से हम जींद के अंदर दोबारा जाएंगे, जिस जींद के हमने बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन का 2 बार उद्घाटन किया वहीं पर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था 2019 की परेशानी हो सकती है। ये तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि मुंडन करवाया गया, सरकार को चेतावनी भी दी गई थी। ज्योति जी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बीजेपी को इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा, सैनिक मर रहे हैं उनके संस्कार पे ये नहीं पहुंच रहे, मुंडन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश ये नहीं कर रहे, इनको तो सिर्फ एक चीज दिख रही है, मैं तो अमित शाह फियर कहूंगा, इनको सिर्फ जींद रैली दिख रही है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा। जींद रैली में कैसे मोटरसाइकिल, आपको मैं बताना चाहूंगा, अंबाला और अलग अलग जिलों में मंडियों के अंदर लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आड़ती है अपने एक एक मोटरसाइकिल हर एक आड़ती भेजने का काम करे रैली के, लोगों के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, आम पब्लिक के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे दबाव से कब तक ये लोगों को इकट्ठा करते रहेंगे? दिनेश गौतम जी क्या आप लोग भी दबाव बनाने की कोशिशें करेंगे? ऐसे ऐसी हमें दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग लीगली हैं, ठीक है, और हम तो अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम दबाव नहीं बना रहे हैं, ना ही सरकार हमसे ये, हम ये चाहते कि भी सरकार दबाव में आए, हम तो अपने रोजगार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे आजादी के लिए शहीदों ने संघर्ष किया, हम अपने रोजगार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब बात आती है कि रेगुलर नहीं हो सकते, तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी बिल लेके आए हैं, वहां पे राज्यपाल जी बीजेपी के बैठे हुए हैं, उन्होंने रोका हुआ है, तो यहाँ पे तो राज्यपाल भी बीजेपी का बिल लेके आइए ना, उसको देखते हैं कौन रोकता है। विपक्ष हमारे साथ है, विशेष सेशन बुलाइए, और यदि मनोहर लाल जी से ये नहीं होता तो मुझे 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए, मैं ये बिल लेके आ जाता। राजीव रंजन जी बिल अगर लाने की नियत हो सरकार की तो संभव है? देखिए अब इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखिए मामला सब जुडिस भी है, यह भी बात हमें माननी चाहिए, लेकिन ये स्थिति वहां पहुंची कैसे,
ये भी है, और अगर मामला सब जुडिस भी है तो गवर्नमेंट कोर्ट के पास जा क्यों नहीं रही है, उनको एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं सरकार दे रही है, हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, और हम सारी बात मान लेते हैं, ठीक है नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप उनको कंपनसेट क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ तो। अब देखिए टीचर सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे सफर कर रहे हैं, 50% बच्चे आपके पास करते हैं, जो पास करते हैं उनको मार्क्स नहीं आता है, मतलब हरियाणा इतना सुंदर छोटा सा स्टेट में ये हो क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, और लोग इतना नॉन सीरियस हैं, और ये भी चिंता की बात है, लोग इसको सीरियसली ले भी नहीं रहा, पॉलिटिशियंस भी नहीं ले रहे हैं, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इसको नॉन सीरियसली ले रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिनेश गौतम जी, कैसा लगता है कि जब कानून का हवाला दिया जाता है, चुनाव से पहले वादा किया गया था? कानून का हवाला तो ये ऐसे ही देते रहेंगे जब तक इनकी नीयत साफ नहीं होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 6 दिन के लिए मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दें, मैं 6 दिन के अंदर बिल लेके आऊंगा, और उस बिल को राज्यपाल जी उसके ऊपर सिग्नेचर करें, और देखते हैं कि विधायिका और लोकसभा के पास तो वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। मामला है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, अदालत में मामला है। देखिए अदालत में मामला आप नया कानून बना दीजिए, अदालत तो कानून के ऊपर काम करती है ना, आप कानून ही बना दीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है ये नियत का मामला है, ये नीति का मामला है, फर्क है, थोड़ा सा मुझे लगता है। विवेक जी क्या लगता है, क्या बीजेपी के नेता नजरे मिलाकर वोट की अपील कर पाएंगे इस बार, खासतौर पर गैस टीचर से? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो गैस टीचर क्या, अगर आज आंगनबाड़ी वर्कर्स को देखा जाए हर वर्ग इनसे दुखी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, सब आज स्ट्राइक पे बैठने का काम कर रहे हैं, चाहे रोडवेज यूनियन हो, चाहे बिजली महकमा हो, कोई भी हो। जब वादा किया गया था, वादा खास था कि पहली कलम से ही वादा थे, समय समय पर मुकरते आए हैं, इन्होंने जाटों के साथ भी वादा किया था, अगर उस वादे को ये पहले पूरा कर देते तो हरियाणा जलता ना, ये समय समय पे वादे करते आए हैं, और वादों को मुकरना इनका काम है। आप देखिए जिस समय हमने लोकसभा और विधानसभा में इस बात को उठाया उस समय भी इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की इनको जगाने की पर ये फिर भी सोते रहे। हमारे नेताओं ने बार बार इनके आगे ये बात रखी कि गैस टीचर बहुत लंबे समय से स्ट्राइक पे बैठे हैं, आप इनकी बात सुनिए, पर ये नहीं सुनते, क्यों, इन ये अपने ही काम में व्यस्त हैं, इनको कोई काम नहीं, नोट बनाने हैं या रैलियां करनी है, नोट बनाने में इतने व्यस्त हैं, इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं, इनको पता लग गया कि आज हम आ गए हैं सरकार में, दोबारा हमारा दाव नहीं लगेगा, सारा कोटा एक बार में फुल कर लें। पर सवाल उठते हैं, ज्योति जी, आर्टिकल 309 के तहत विधानसभा के अंदर एक्ट बनाकर इसको पास किया जा सकता है, अगर टेक्निकली हम बात करते हैं, और जहां तक पैसों की कंपनसेशन की बात है, आप ही देखिए कि 3 बार यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस आ चुकी है हरियाणा के अंदर, 200 करोड़ आप लोग करते नहीं, अगर कांग्रेस ने करना होता तो 10 साल में कर देते, कांग्रेस ने करना होता है ज्योति जी 10 साल में कर देते, ज्योति जी अगर कांग्रेस ने करना होता तो 10 साल में कर देते। ज्योति जी हम एक पॉलिसी लेके आए थे, हुड्डा साहब एक पॉलिसी लेके आए थे कि 10 साल अगर रेगुलर टीचर्स काम करेंगे तो उनको हम पक्का कर देंगे, हमारे टेन्योर में ये समय जो पूरा नहीं हुआ था, हमने जो वादे किए थे चाहे 2005 में किए थे चाहे 2009 में किए थे, हमने वो सभी वादे अपने जो मैनिफेस्टो में लिखे थे वो पूरे किए हैं, और जहां तक बात कंपनसेशन की है, पैरामिलिट्री फोर्सेज बुलाकर जो 3 बार जो यहाँ पर आई है, 200 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च कर चुकी है, वो 200 करोड़ क्या इन 15,000 टीचर्स को नहीं कंपनसेट किया? आप राजनीति अलग चीज है, गैस टीचर एक सामाजिक मुद्दा है। आप कहते हैं कि आपने 2 पॉलिसियां बनाई 2014 में, 3 साल की पॉलिसी को तो हम कवर कर गए थे ना, 2006 में हम लगे, 5 में लगे, तो 3 साल की पॉलिसी में आपने कॉलेज कैडर के लेक्चरर को पक्का किया, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, जैसा हमारा प्रोसेस था वही उनका था, तो हमें ऐसा क्या था, ऐसी क्या कमी आपको लगी, क्या हमने आपको वोट नहीं दिया था, क्या आपको बनाया नहीं था जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, वादा भले ही बीजेपी का रहा हो, मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी की अभी बता देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 सितंबर 2017 को हमारी हरियाणा भवन में मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर हमारी सिर्फ 2 छोटी सी मांगे मानी गई थी, माननीय राजेश खुल्लर जी प्रधान सचिव मीटिंग में मौजूद थे, हमारे लिए LTC का सीएम साहब ने मंजूर किया था, और हमारे शिक्षकों के लिए 20 छुट्टियां मंजूर की थी, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी वो हमारी दोनों फाइलें चक्कर काट रही है सीएम के आदेश होने के बाद। करेंगे दिनेश गौतम जी, फिलहाल कितनी उम्मीदें हैं जब सीएम से मुलाकात होनी है? सीएम साहब से हमें उम्मीद है, तभी हम सोचते हैं कि एक बार मिला जाए। देखिए जो हमें उम्मीद नाम की तो चीज यहाँ पे दिखी नहीं रही, आप देख सकते हैं किस तरह बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में आने का काम नहीं करते, अगर फोन उनके पास मिलाया जाता है फोन काट के भागने का काम करते हैं, जवाबदेही इनकी जब भी होती है या दौड़ने का ही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं, तो उम्मीद इनका करना मैं तो कहूंगा गलत है,
गलत फहमी ये पड़े हुए हैं, उम्मीद पे देखिए ना रहे इस सरकार ने, आखिरी सरकार ने कुछ हमारे पास कोई सरकार ने कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ एक टीचर है और हम उम्मीद ही करते हैं निकलता है, पर सरकार से आपको उम्मीद ना रखे वो संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करेंगे। पहली कलम की बात हुई थी लेकिन अभी तक मुलाकात भी नहीं की, सीएम की ओर से मुलाकात नहीं की गई है, हालांकि अब एक बार कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि सीएम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, शायद जो मांगे हैं बरकरार उन पर किसी तरह की सहमति बन पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।